नमस्कार, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 प्राइम में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहा है। बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है, क्योंकि 25 फरवरी को राज्यसभा का चुनाव होना है और उसके पहले 15 तारीख से प्रक्रिया होनी है शुरू, और उसके पहले बीजेपी ने अपने राज्यसभा के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। यूपी से आरपीएन सिंह राज्यसभा उम्मीदवार बनाए गए हैं, तो वहीं यूपी से डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा उम्मीदवार फिर से बनाए गए हैं। यहां तक कि बिहार से डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता बीजेपी उम्मीदवार के लिए चुनी गई हैं, तो वहीं बिहार से डॉक्टर भीमराव सिंह बीजेपी उम्मीदवार के लिए चुने गए। छत्तीसगढ़ से भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को उतारते हुए राजा देव प्रताप सिंह को उम्मीदवार के तौर पर उतारा है, और हरियाणा से भी सुभाष बराला राज्यसभा के उम्मीदवार चुने गए हैं। यूपी से बीजेपी के राज्यसभा के लिए 7 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है, तो वहीं देवभूमि यानी कि उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। यूपी से नवीन जैन, अमरपाल मौर्य राज्यसभा उम्मीदवार है, तो यूपी से संगीता बलवंत, साधना सिंह बीजेपी की उम्मीदवार के तौर पर इस बार किस्मत अपना आजमाने के लिए उतरी है। बंगाल से सामाजिक भट्टाचार्य को राज्यसभा का टिकट दिया गया है। बता दें 25 फरवरी को राज्यसभा का चुनाव होना है, 15 तारीख से नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और उसके पहले बीजेपी ने अपने उत्तराखंड हो या फिर बीजेपी या फिर यूपी हो या फिर पश्चिम बंगाल हो या फिर हम हरियाणा और छत्तीसगढ़ की बात कर ले, इन सभी जगह से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। जिन्होंने, एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि जिन्होंने छात्र जीवन से कांग्रेस के साथ सियासी सफर की शुरुआत की और अब उन्हें 6 साल के लिए कांग्रेस से बाहर कर दिया गया है, वो भी इसलिए क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम इन दिनों राम के रंग में नजर आ रहे थे। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा का दंगल शुरू हो चुका है, चेहरे फाइनल हो गए हैं और उन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है जिससे 24 का संदेश दिया जा सके, और इसी रणनीति के साथ बीजेपी ने नए चेहरों पर भरोसा जताते हुए सियासी समीकरण साधने की कोशिश की है। राज्यसभा में नए चेहरों पर भरोसा, बीजेपी ने 7 में से 6 नए चेहरे उतारे हैं। सुधांशु त्रिवेदी को रिपीट किया गया है। काशी क्षेत्र के प्रभारी अमरपाल मौर्य को राज्यसभा का टिकट मिला। गाजीपुर की संगीता बलवंत को भी मौका मिला है। आरपीएन सिंह को राज्यसभा भेजा जा रहा है, तो वहीं तेजवीर सिंह और साधना सिंह को भी मौका मिला है। राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि बीजेपी ने इसके जरिए क्षेत्रवार पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण को साधने की प्लानिंग की है। भारतीय जनता पार्टी ने उच्च सदन के लिए अपने नामों का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि सभी जाति के लोगों को सही से प्रतिनिधित्व किया जा सके। इन सबके बीच में सबसे खास बात यह है कि आरपीएन सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल से आते हैं, उनको राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर के आरपीएन सिंह ने बीजेपी का दामन थामा था और वो लोकसभा के प्रबलतम दावेदार माने जा रहे थे। राज्यसभा सांसद की 10 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में बीजेपी को 7 और समाजवादी पार्टी को 2 सीट मिलना तय है। अगर बीजेपी ने 7 सीटों पर संतोष कर लिया तो सपा को 3 सीट मिलेगी, लेकिन बीजेपी ने 8वीं सीट के लिए संघर्ष किया तो चुनाव की नौबत आएगी। राज्यसभा चुनाव में 1 सीट के लिए 40 विधायकों का मत चाहिए। बीजेपी के पास 277 मत होने से 7 सीट पहले से तय है। समाजवादी पार्टी के पास 117 विधायक होने से 2 सीट तय है। ऐसे में 8वीं सीट के लिए बीजेपी एसपी में फाइट होगी। 8वीं सीट के लिए बीजेपी को 40 और सपा को 1 सीट चाहिए। ऐसे में जानकारों का कहना है कि ये भी संभव है कि बीजेपी 7 ही सीट पर संतोष कर चुनाव को निर्विरोध संपन्न कराए, लेकिन जिस तरह से राज्यसभा के लिए चुनावी माहौल तैयार हो रहा है, ऐसे में 8वीं सीट की फाइट जबरदस्त होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अगर बात हम और बड़ी खबर की कर लें, तो बात अब आचार्य प्रमोद कृष्णम की, क्योंकि जब से आचार्य प्रमोद कृष्णम राम के रंग में नजर आए हैं, तब से उन्होंने अब
कांग्रेस से बगावत एक तरह से छेड़ दी है। जिन्होंने छात्र जीवन से कांग्रेस के साथ सियासी सफर की शुरुआत की, अब उन्हें 6 साल के लिए कांग्रेस से बाहर कर दिया गया, वो भी इसलिए क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम इन दिनों राम के रंग में नजर आ रहे थे। पार्टी से बाहर निकाले जाने पर प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या हुआ? सनातन विरोधियों का चेहरा बाहर आ गया। अखिलेश यादव के चेहरे से हिंदुत्व का नकाब उठ गया। राहुल गांधी पर इच्छाधारी हिंदू होने का टैग लग गया। और विपक्ष में जो इक्का दुक्का राम भक्त बचे, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये आचार्य प्रमोद कृष्णम है जिन्होंने छात्र जीवन से कांग्रेस के साथ सियासी सफर की शुरुआत की। अब इन्हें 6 साल के लिए कांग्रेस से बाहर कर दिया गया है। इन पर कांग्रेस की तरफ से इल्जाम भी लगाए गए। कृष्णम पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। कृष्णम पर पार्टी विरोधी टिप्पणी का आरोप लगा है। 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन जो आरोप कांग्रेस की तरफ से आचार्य प्रमोद कृष्णम पर लगे हैं, उसकी सच्चाई बस इतनी है कि वो कांग्रेस के राम विरोधी चेहरे को देश के सामने रख रहे थे। उन्होंने पार्टी से निष्कासन पर अपनी बात भी रखी और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो उस चिट्ठी में लिखा है पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से, तो वेणुगोपाल जी या आदरणीय खड़गे जी कृपया बताएं कि ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो पार्टी के विरोध में थीं और उन्हें कब पता चला? क्या राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है? क्या अयोध्या जाना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण स्वीकार करना पार्टी विरोधी है? इतना ही नहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी से लेकर पार्टी के बड़े बड़े नेताओं पर भी निशाना साधा और कहा मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया क्योंकि कांग्रेस राम और सनातन विरोधी है। बहुत बड़ा बोझ था सिर पर कि मैं उस पार्टी के साथ खड़ा हूँ, उस पार्टी में हूं जो पार्टी राम का विरोध करती है, जो पार्टी सनातन को मिटाना चाहती है, राम के नाम लेने से चिढ़ती है, जो पार्टी हिंदुओं से चिढ़ती है, जो पार्टी में ऐसे लोग हैं जो नास्तिक हैं। तो मैं सोचता था कि आखिर मैं इस पार्टी में क्यों हूं, लेकिन मैंने छात्र जीवन में जब मैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी से मिला था तो उन्हें वचन दिया था कि मैं आखिरी सांस तक कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। बेशक प्रमोद कृष्णम को फैसले लेने में देरी हुई, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि अब वो कभी कांग्रेस की चौखट पर नहीं जाएंगे। हालांकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि प्रमोद कृष्णम जल्द ही बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 19 फरवरी तक का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और हल्द्वानी बहुत स्वागत। बड़ी खबर आपको बता दें कि जयपुर से ये बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री कार्यकाल से आदेश ये जारी हुआ है कि आईएएस अधिकारियों को 2 विभागवार जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सिद्धार्थ सिहाग उद्योग देखेंगे और वहीं रीको कानून, न्याय और वित्तीय कराधान, उत्पाद शुल्क, होमगार्ड, जेल, सिविल, रक्षा, आरएसबीआई के साथ ऊर्जा विभाग की निगरानी भी की जाएगी। संदेश नायक देखेंगे पीएचईडी, डब्ल्यूईडी और जल संसाधन के साथ ही आईजीएनपी, सीएडी, खान एवं पेट्रोलियम महत्वपूर्ण परियोजनाओं की निगरानी के सीएम के कार्यक्रमों का निर्णय भी लिया जाएगा। यानी कि अब 2 विभाग आईएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी उनकी मिली है, अपने विभाग के साथ एक और विभाग की जिम्मेदारी अब सौंपी जाएगी। यही वो लिस्ट है जो इस समय आपको टीवी स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक एक आईएएस अधिकारी को कितने कितने विभाग मिले हैं, यानी कि अब विभाग वार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक एक अधिकारी को 3-4 विभाग मिले हैं ताकि वो अच्छी तरीके से विभाग की जिम्मेदारियों को संभाल सके। और तमाम जो शिकायतें पिछले सरकार के कार्यकाल में
आई थी निकलकर उन सभी कार्यकाल, चाहे वो पीएसयू की बात हो, चाहे वो कानून की बात हो, न्याय की बात हो, वित्तीय की बात हो, उत्पाद शुल्क की बात हो, लघु बचत की बात हो, जीपीएफ की बात हो, पुलिस, होमगार्ड, जेल, सिविल, आरएसबीआई के साथ ऊर्जा विभाग की निगरानी की बात हो, पीडब्ल्यूडी की बात हो, जल संसाधन, सबसे बड़ा जहां पे घोटाला देखने को मिला या काम जहां पे नहीं देखने को मिले, इन सभी जगह पर पेट्रोलियम, खाद्य से लेकर राज्य सेवा वितरण, युद्ध कक्ष, हर जगह पर ये अब विभाग वाइज आईएएस अधिकारियों को अब आवंटित किया गया है, उनके कंधे पर जिम्मेदारियों को और बढ़ा दिया गया है। और अब फटाफट रुक कर लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की तरफ।